हेलो गाइस, कैसे हैं आप? तो सबसे पहले मेरा आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर, बेल आइकन प्रेस, चैनल को करें सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। जैसा कि आप देख रहे हैं पहाड़ों की इन खूबसूरत वादियों में, तो आज का ब्लॉग कुछ खास होने वाला है। तो मैं आज हाटकोटी मंदिर, हिमाचल डिस्ट्रिक्ट शिमला तहसील जुब्बल में स्थित हूँ। तो मैं आज आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ दोस्तों। तो देखिए यहाँ का खूबसूरत नज़ारा, बहुत ही मनमोहक दृश्य। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे बैक साइड का व्यू दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ। ये देखिए तो श्रद्धालुओं का यहाँ पर लगा रहता है तांता। तो मैं आगे का व्यू आपको दिखाऊंगा। तो मैं अभी यहाँ जो हाटकोटी मंदिर में जो बैक साइड गार्डन है, तो मैं वहाँ से आपको व्यू दिखा रहा हूँ। तो मैं मंदिर के बैक साइड हूँ, हाटकोटी मंदिर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर, और माता रानी के दर्शन के लिए आप भी हाटकोटी ज़रूर आए दोस्तों। देख सकते हैं आप यहाँ पर बहुत ही मनमोहक दृश्य, पहाड़ों की इन खूबसूरत वादियों में बसा हुआ हाटकोटी मंदिर। कहा जाता है कि ये प्राचीन समय में बना हुआ है, पांडवों के समय का मंदिर। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। तो देख सकते हैं आप दोस्तों, तो मैं आपको आगे का व्यू दिखाता हूँ दोस्तों। देखिए पहाड़ों की इन खूबसूरत वादियों में माता हाटेश्वरी का मंदिर। ये सामने पार्क है यहाँ पर। तो हम अब यहाँ से पार्क से मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। तो हम आगे का व्यू दिखाऊंगा दोस्तों, तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। देखिए भक्तों का तांता यहाँ पर लगा हुआ रहता है। तो यहाँ पर शादियों के जोड़े आते हैं, जो कि माता रानी के आशीर्वाद के लिए आते हैं। तो आप भी यहाँ पर ज़रूर आए और माता रानी का आशीर्वाद लीजिए। देख सकते हैं आप दोस्तों, तो यहाँ से अंदर का रास्ता, ये अंदर को, यहाँ पर ये माता रानी का मंदिर है अंदर, जैसा कि आप देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर है। तो देखिए आप सामने जो दिख रही है प्राचीन कलाकृतियाँ, ये पांडवों के ज़माने की बनी हुई है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों। पांडवों के ज़माने का मंदिर है यहाँ पर। दूर दूर से लोग आते हैं दोस्तों। बहुत ही सुंदर जगह है, पहाड़ों की इन खूबसूरत वादियों में बसा हुआ है हाटकोटी माता का मंदिर। देखिए भक्तों की टोली यहाँ पर माता रानी के दर्शन के लिए आते हैं।
तो आप भी माता के दर्शन कीजिए। तो देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, ये प्राचीन समय की पत्थरों में बनी हुई कलाकृतियां हैं। देख सकते हैं आप, इन पत्थरों की कलाकृतियों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी प्राचीन है। बहुत ही सुंदर जगह है, तो आप भी ज़रूर आइए माता रानी के दर्शन के लिए और आटेश्वरी माँ के आशीर्वाद प्राप्त करें। तो मैं आपसे आगे का व्यू दिखाऊंगा, ऊपर से ऊपर जाके सीढ़ियों में ऊपर से कैसा दिखता है माता रानी का मंदिर। बहुत ही भव्य मंदिर है, देखिए दोस्तों। आप भी ज़रूर हाटकोटी मंदिर आए, जो हिमाचल में डिस्ट्रिक्ट शिमला में तहसील जुब्बल में स्थित है। तो आप भी ज़रूर दर्शन करें दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। तो हम अब यहाँ से अपने घर की ओर वापसी निकल चुके हैं दोस्तों। आप भी ज़रूर आए माता रानी के आशीर्वाद लेने हाटकोटी मंदिर। तो ये देखिए सामने दोस्तों, ये पीपल का पौधा है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर कहते हैं पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का निवास होता है। तो देखिए आप भक्तों ने यहाँ पर, देखिए आप किस तरह से और आगे का व्यू दिखाऊंगा मैं आपको दोस्तों। बहुत ही अच्छी जगह है दोस्तों। तो देखिए आप मेरे सामने ये नाशपाती के प्लांट है, देख सकते हैं आप दोस्तों। तो यहाँ पर हाटकोटी में सेब के ऑर्चर्ड भी है, देख सकते हैं आप। पियर प्लांट और एप्पल प्लांट। तो मैं यहाँ से वापसी आ गया हूँ ऊपर को, तो मैं ऊपर से आपको मंदिर का व्यू दिखाऊंगा दोस्तों। तो बने रहिए मेरे साथ, आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये देखिए ये एप्पल के प्लांट है, तो इसमें आप देख सकते हैं क्रॉप। देखिए मंदिर के बैक साइड एप्पल के प्लांट, तो यहाँ पर एप्पल की क्रॉप भी होती है दोस्तों। बहुत अच्छी जगह है, देखिए आप ये एप्पल का ऑर्चर्ड है, इसमें नट लगे हुए हैं। ये नट इसलिए होते हैं कि ओलावृष्टि होती है तो एप्पल का जो दाना होता है उसकी सेफ्टी के लिए होता है, ताकि दाना डैमेज ना हो। देखिए आप एप्पल के प्लांट किस ढंग से तैयार किए गए हैं दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत है। तो देखिए आप, तो आगे का व्यू दिखाऊंगा मैं दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों आप हाटकोटी मंदिर आए, तो यहाँ से आप माता रानी के लिए प्रसाद ले सकते हैं। तो देख सकते हैं सामने दोस्तों रास्ते में, तो ये देखिए दोस्तों आप माता रानी के दर्शन कीजिए। ये जो सामने दिख रहा है आपको, सामने माता रानी का मंदिर पहाड़ों की इन खूबसूरत वादियों में।
बहुत ही सुंदर जगह है। तो मैं ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा दोस्तों, तो मेरे आने वाले ब्लॉग का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।